कोई हमारे घर में पूछे कि गुस्से का बादशाह कौन है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आए। अभी सुबह के 10:23 हो रहे हैं और भाई यहाँ पे लगे हुए हैं अपने डेली रूटीन पे फ्री फायर। तो गाइस, हमने पिछले ब्लॉग में कहा था कि हम तो बाल कटवाने जा रहे हैं बट गए नहीं थे, तो अभी हम जा रहे बाल कटवाने, तो चलते हैं हम। गाइस, तो आज हमने फाइनली बाल कटवा लिया। वैसे तो बाल कटवाने के बाद अच्छा तो लग नहीं रहा है बट फिर भी एक दो दिन के बाद अच्छा लगने लगेगा। कोई नहीं, माँ तो सुबह से अभी खा रही है, देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं नहाने, बाल कटवा के आए तो नहाना तो है। हम नहाने ही जा रहे थे बट जो मिस्त्री सब स्नान का काम कर रहे थे तो उसका जो सीमेंट और बालू था वो खत्म हो गया, तो अभी हम वही जा रहे लाने। सीमेंट तो आ गया, बस बालू और गिट्टी जो वो लाना है। तो देख सकते हैं कि इतना तक काम चालू होकर रुक गया है। गाइस, इतना काम हुआ और बीच में और इधर थोड़ा छूट गया। काम करने के चक्कर में जो यहाँ टेल्स बिठाया गया था वो टूट गया। कोई नहीं, होता है, डिज़ाइन तो बन गया अच्छा वाला। पहले गिट्टी और बालू लाते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए गिट्टी और बालू लेने, उसके लिए एक लाए हैं ताई जिससे सुविधा हो उठाने में। कोई हमारे घर में पूछे कि गुस्से का बादशाह कौन है, तो वो है ये, जिसका जलवा भी हम दिखाते हैं। इड ऑन, एक बार गुस्सा होने के बाद जो भी इसके सामने आता है एकदम उड़ा देता है। तो गाइस, तो परसों का ढलाई हुआ था, वहाँ थोड़ा पाइप करना भूल गए थे, तो उसी का भी सेटिंग और इसी कारण वहाँ थोड़ा गड्ढा करना पड़ा ढलाई को। कोई नहीं, मिस्त्री सबका गलती है ये। तो गाइस, अभी आपने देखा कि मिस्त्री सबकी गलती के कारण जो ढलाई हुआ था उसको काटना पड़ा, वो सब भूल गए और पाइप नहीं बिठाए, जिसके कारण अभी फिर से काट के बिठाना पड़ रहा है ताकि यहाँ का जो स्नान घर का पानी है वो उसी में जाए। गाइस, और आज फाइनली स्नान कर का घर का भी जो ढलाई था वो हो गया कंप्लीट। तो हमारा जो पंचोखा और स्नान घर था वो आज कंप्लीट हुआ सारा, पूरे 4 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद पूरे। गाइस, अभी हम चढ़े हैं अपने घर के कोठे पे। यहाँ पे माँ ने बोला कि एक पाइप है जो दीवार में ठुक के रखने वाला एक बैंड आता है वो यहीं कहीं है, तो वही लेने के लिए ऊपर हम चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे कोठे को, तो गाइस ये रहा वो बैंड जो हमको चाहिए, 2 ठो है यहाँ पे, तो दोनों ले चलते हैं। आज हम आपको ऐसा चीज दिखाने वाले जो पुराने जमाने का है। तो ये देखिए हमारे कोठे पे क्या रखा हुआ था, देखिए अंदर से कैसा लगता है ये कोठा पे रखा हुआ था, मतलब ये भी गंदा है, यहीं पे रहता है। पुराने जमाने का एक निशानी तो है हमारे घर में। तो गाइस, अभी हम तो नहाए नहीं, अब नहाना तो कल ही होगा। बस माथा धो लिए, बिकॉज घर में कनेक्शन कटे हुए 3 दिन हो गए। कल तो जमा करने वाले थे बट 26 जनवरी था इसलिए बिजली हाउस तो बंद रहता है, तो आज जमा करने गए हैं, बिजली पेमेंट जो होता है वो, तो आज कनेक्शन जुट जाएगा तो अब कल नहा लेंगे। क्योंकि बिना बिजली का तो टंकी में पानी आएगा नहीं, इसलिए अभी तो हम नहीं नहा पा रहे हैं, तो कल नहाते हैं। वैसे माथा तो धो ही लिए और भैया भी जा रहे खाने दूध रोटी। तो आप देख, हम जहाँ पे बाल कटवाने गए थे वहाँ ऐसा काट दिया जैसे 2 साल का बच्चा का बाल हो, देख सकते हैं। काटने का तो उसके पास आइडिया कुछ खास ना है, इसलिए दूर है यहाँ से सैलून जो है, तो यहीं भीड़ में था तो उसी के पास चले गए थे। तो कोई नहीं, एक दो बार तो होता ही है। तो भाई, रात के 8:21 हो रहे हैं और अभी हम यहीं पे करते अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अच्छा वाला कमेंट भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे घर के खाने के लिए कोबिया है और माँ फुआ दादी सब बाहर में आग सेक रही है। एक जीजू, आपको तो हमारे पूरे परिवार के बारे में तो पता तो नहीं होगा, तो हम किसी वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे उन सब के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय एंड जय हिंद जय भारत एंड बी सेफ। सकते हैं हाँ चप्पल दिखाओ।